सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। यानी जो सभी आरंभ होने वाले उद्यम, जितने भी उद्यम हैं, जितने भी कार्य हैं जो आरंभ होने वाले हैं, उनमें जो संकल्प है कामनाओं का, उसे जो त्याग देते हैं यानी वर्जित कर देते हैं, और ज्ञान रूपी अग्नि में जिनके कर्म जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, ज्ञानी लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। हम लोग के मन में पहले संकल्प उठता है कामनाओं का, जो भी विषय हैं उससे संबंधित जो संवेदना जाती है मस्तिष्क में, वे संवेदना जब विश्लेषण करती है और पाती है कि यह जो विषय है, यह पदार्थ हमारे लिए है, यह वस्तु मेरे लिए है, मेरे काम का है, मेरे उपयोग का है, और मुझे यह सुख देगा, यह संकल्प कहलाता है। और जब यह संकल्प दृढ़ हो जाता है तो पाने की इच्छा बलवती हो जाती है, तब वह कामना में बदल जाता है। कामना जब बलवती हो जाए तब वह जिद और जुनून में बदल जाता है, तब हमें उसे हर हाल में पाना है और उसमें हम जलते रहते हैं। सामान्य मनुष्य इसी में झूलते हैं, लेकिन अगर इस तरह की जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, ये संकल्प जो आरंभ होते हैं यानी जिसकी शुरुआत होती है, जाहिर सी बात है जिस कर्म की शुरुआत होगी उसका अंत भी होगा, उसके कर्म फल भी होंगे। तो ऐसे सभी जितने भी कामनाएं हैं और जितने भी कर्म और कर्मफल हैं, इन सब से जो रहित हो जाता है, जो इन्हें सर्वथा त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? कोई जिद से नहीं, अपितु ज्ञान से। वो समझ जाता है कि ये सब जो हैं सांसारिक चीजें हैं, ये हमारी इंद्रियां, ये शरीर, ये सब सांसारिक ही हैं, और एक समय में इसे संसार में ही रह जाना है, इसी में से लीन होना है। तो फिर भोग की बहुत वस्तुओं को इकट्ठा करके क्या होगा? जीवन जितना से चल सके, जितना से हमारी बुद्धि विवेक चल सके, जितना से हम भजन कर सकें, जितना से हम समाज की सेवा कर सकें, बस उतने भर तक की हमें वस्तु मिले, और वह भी प्रभु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर ले। अगर परमात्मा की वह भी इच्छा नहीं है तो
तो उसमें भी जो संतोष कर लेता है वह व्यक्ति ही ज्ञानी कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास यह ज्ञान है कि हमारा यह जो स्व है यह अपरिवर्तनशील है, हमारी आत्मा इन संसार से निर्लिप्त है और हमें अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, ऐसे जो ज्ञान है इसकी जो अग्नि है, इस अग्नि से जो कर्म हैं और कर्म फल हैं ये सब दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये फल देते ही नहीं है, इसका अर्थ यह है कि यह जो कर्म है कर्ता को नहीं बांधता है, कर्तापन व्यक्ति का समाप्त हो जाता है, बंधन की शक्ति नहीं रह जाती है। फल तो आएंगे ही, कर्म है तो कर्म फल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिर्फ बदले हुए पहलू हैं, बदले हुए रूप हैं। परंतु बांधने की शक्ति जो है, आसक्ति की जो शक्ति है वह उसकी नष्ट हो जाती है। यही यहाँ पर कहने का मतलब है कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। और ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह से अपने कर्मों को जला दिया है अपने ज्ञान की अग्नि से, और हर परिस्थिति में जो अब संभाव में रहता है, सभी कर्मों के आरंभ में और अंत में और मध्य में संभाव में रहता है, ऐसे को पंडित कहते हैं, ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। ऐसे तो बाहर से त्यागी बाबा बहुत लोग दिखते हैं, उनकी पूजा भी होती है, परंतु कुछ गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थी का जीवन बिताते हुए, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर के सभी कर्तव्य कर्मों को करते रहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, परंतु लोग उन्हें अमूमन नहीं जानते पहचानते। परंतु ऐसे अनासक्त कर्मयोगी गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए ज्ञानियों के द्वारा जो थोड़े बहुत उन्हें पहचानते हैं वे उन्हें पंडित ही कहते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, और भगवान ने यहाँ कर्मयोगी को पंडित की उपाधि दी है। पंडित वह नहीं होता है जो पोथियों को पढ़ के रट लेता है, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि पंडित वही है जो पोथियों को पढ़ ले रट ले तो उसको पंडित लोग बोल देते हैं। परंतु यहाँ पर पंडित उसको कहा गया है जो अपने ज्ञान की अग्नि से कर्म और उसके बंधनों को नष्ट कर देता है, और न सिर्फ वर्तमान कर्मों को बल्कि प्रारब्ध कर्मों को भी वह नष्ट करने में सफल हो जाता है और मुक्त हो जाता है, ऐसे को पंडित कहा गया है। पंडित किसी बिरादरी का नाम नहीं है, न ही पंडित बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करने वाले को, शास्त्र के ज्ञानी को पंडित नहीं कहते हैं, इस अर्थ में ही पंडित कहा जाता है। कर्मयोगी को ही भगवान ने यहाँ पंडित कहा है, तो पंडित की परिभाषा वही लेनी चाहिए जो भगवान ने कहा है, यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि। ओम।